थे मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है डीएम गैरेज। आज हम देखने वाले हैं नीडल मूवमेंट लिफ्ट सेंसर के बारे में, जो आपको EDC 15 VP37 पंप के अंदर यूज होता है। जैसे कि अपना 16-13 है, 11-09, 909, 407 गाड़ी के अंदर यूज होता है ये सेंसर है। इसमें दो कपलर आते हैं, जिसके पहले मैंने आपने एक वीडियो बनाया था। आपको मैं दोनों सेंसर मल्टीमीटर के ऊपर हम कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। ये अपना मल्टीमीटर है, इसको हम टर्न करेंगे ओम्स के ऊपर। 200 ओम्स लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके दो पिन है, वहां पे अपने दो प्रोब कनेक्ट करेंगे और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको स्क्रीन में बताएगी। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 106.0 आ रही है और इसकी अब ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 100 के करीब आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 110 तक आती है। जैसे जैसे अपना इंजन गर्म होता है उसकी वैल्यू भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है, तो आपको गाड़ी के ऊपर जो है ये वैल्यू 105, 108, 110 तक भी बता सकती है। अब अपना दूसरे सेंसर को हम चेक करेंगे। ये दूसरा सेंसर को हमने प्रोब कनेक्ट किया, इसकी वैल्यू बता रही है, ये हल्की सी कम ज्यादा हो रहा है वैल्यू 0.004, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, यानी अपना यह सेंसर टेस्ट के अंदर फेल हो चुका है रेजिस्टेंस के अंदर। अब हम इसके दूसरी टेस्ट लेंगे, वो होंगे कंटिन्यूटी टेस्ट। हमको मल्टीमीटर का प्रोब जो है वो कंटिन्यूटी के ऊपर घुमाना है। ये दोनों को कनेक्ट करने के बाद कंटिन्यूटी का बीप सॉन्ग सुनाई देगा। अब हम जो अपना अच्छा वाला सेंसर है उसको पहले चेक करेंगे कंटिन्यूटी के टेस्ट पे, और यहाँ पे कोई बीप सुनाई नहीं दे रहा है कंटिन्यूटी के अंदर। हम अपना जो दूसरा वाला सेंसर है उसको एक बार चेक करेंगे। ये हमने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पर हमको कंटिन्यूटी सुनाई दे रही है, यानी कि इसके अंदर जो कॉइल है कॉइल वो एक दूसरे को कनेक्ट हो गई है या फिर शॉर्ट हो गई है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी नहीं बता रहा है और अपना इसके अंदर कंटिन्यूटी आई है। हम और एक बार देख चेक करेंगे। हमने इसको कंटिन्यूटी पे डाला है मल्टीमीटर को, दोनों प्रोब कनेक्ट किए, इसके अंदर कंटिन्यूटी साउंड आ रहा है बजर कंटिन्यूसली, और ये अपना अच्छा वाला सेंसर है। इसका भी एक और एक बार चेक करके बताता हूं, इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। रेजिस्टेंस का भी वैसे ही चेक करेंगे और एक बार। फर्स्ट वाला जो अपना अच्छा वाला सेंसर है उसकी रेजिस्टेंस देखिए 106 पे है, और अपने दूसरे वाले की 106 नहीं आ रही है। तो दोस्तों हमको इसी टेस्ट के ऊपर ये सीखने के लिए मिला, हमने दो टेस्ट किए, एक कंटिन्यूटी टेस्ट और एक रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस से हमें ये कॉइल का रेजिस्टेंस पता चलेगा, कंटिन्यूटी से कॉइल शॉर्ट है ये पता चलेगा। ज्यादातर गाड़ियों में रेजिस्टेंस का ही प्रॉब्लम आता है ये सेंसर के अंदर, यहां से कभी कभी वायर टूट जाता है तो आपको कंटिन्यूटी नहीं बताएगा और रेजिस्टेंस भी नहीं बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ सेंसर के बारे में जानकारी लेंगे।